वेलकम टू एड्यूज, मैं विकास कुमार। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिफ्लेक्शन से संबंधित पढ़ा था, जिसमें हम लोग पॉइंट का, बिंदु का क्या कर रहे थे, तो मिरर इमेज बना रहे थे और कोऑर्डिनेट से संबंधित पढ़े थे उसका क्वाड्रेंट को। अब हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इस सेशन में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेंट के दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, पी है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वन है और इसका वाई वन है। एक अगला पॉइंट है आपका जो क्यू है, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स टू है और वाई टू है। अब बोलेगा कि दोनों के बीच की दूरी निकालिए, क्या निकालना है आपको, तो दूरी निकालना है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हैं। जैसे यहाँ से ऐसे इसको मिला दीजिए, इसका जो दूरी बराबर होता है फॉर्मूला, अगर ये डी है तो डी बराबर होता है रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन के होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन के होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, तो दो पॉइंट के बीच दूरी निकालेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोगों ने निकाल लिया कि दो पॉइंट के बीच दूरी कैसे निकालते हैं। अब ये दूरी निकल गया है तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस दूरी को, एक लाइन हो गया, इस लाइन को बोलते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इसको बांट देते हैं। क्या करते हैं, इसको ऐसे बांट देते हैं। तो बांटते दो प्रकार से हैं, आंतरिक बांटते हैं और बाह बांटते हैं। आंतरिक बांटते हैं तो उसको क्या करते हैं, या तो आप मिड पॉइंट से बांट दिए, या तो उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, रेशियो में बांट देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एम रेशियो एन बोलते हैं। जैसे मैं देखिए, यहाँ पर एक लाइन है, इस लाइन का यहाँ का पॉइंट पी था, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन और वाई वन। यहाँ पर है क्यू, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स टू और वाई टू। इसको हमने क्या बोला कि बांटना है, अगर मिड पॉइंट से बांट रहे हैं, कोई एक पॉइंट है जो दो इस लाइन को मिड पॉइंट पर है, यानी कि इसको बांट रहा है दो भागों में, और उसका जो कोऑर्डिनेट है एम है, उसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रहेगा, तब क्या करेंगे हम, तो एम एक्स वाई का कोऑर्डिनेट होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। जब आपको मिड पॉइंट दिया हुआ रहेगा और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मांगेगा, तब हम क्या यूज करेंगे, तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू करेंगे। अब ये मिड पॉइंट पर नहीं है, ये जो पॉइंट आप एम लिए हुए हैं बिंदु, वो मिड पॉइंट पर नहीं है, कहाँ पर है, तो कहीं इसको रख सकते हैं, एक रेशियो में है, एक रेशियो है, एम रेशियो एन है। अब बोलेगा कि इस एम का कोऑर्डिनेट निकालिए, कब निकालना है, जब आपका रेशियो में बांटा हुआ एम रेशियो एन में। यहां पर आपको बोल रहा है कि एम का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो क्या करेंगे, तब एम का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन वाई, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। अब बोलेंगे इसको याद कैसे करें, देखें यहाँ से एम पकड़िए तो इसका एक्स टू रखिए, फिर क्या बोल करना, यहाँ से एन रखते हैं तो इसका एक्स वन रखेंगे, ये निकल जाएगा एक्स का कोऑर्डिनेट। y का कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, यहाँ से m जब रख रहे हैं तो यहाँ से y को पकड़िए, यहाँ जब n रख रहे हैं तो यहाँ पर y को रखते हैं, इससे क्या निकल जाएगा, y कोऑर्डिनेट। तो जब भी आपको बोलेगा सेक्शन फॉर्मूला में कि एक लाइन है, या फिर बोलेगा कि दो बिंदु हैं P और Q, उनको m एक बिंदु है जो m अनुपात n में काट रहा है, तो उस m का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करके बना देंगे। ये दोनों जो बताए हैं, ये इंटरनल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, आंतरिक विभाजन कर रहा है। अब हम चलते हैं इसको बाह विभाजित कैसे करेगा, बाह विभाजित कैसे करें, तो देखिए एक लाइन हो गया यहाँ पी और क्यू, एम जो है वो आंतरिक विभाजित कर रहा था, इसलिए पी और क्यू के बीच में कर रहा था। जब ये बाह विभाजित करेगा तो एम जो होगा यह यहाँ पर होगा। अब इसको बाह विभाजित करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का रेशियो एम हो गया, यहाँ का रेशियो एन हो गया। इसका क्या दिया हुआ कोऑर्डिनेट, एक्स वन और वाई वन है, इसका क्या है, तो एक्स टू और वाई टू है।
इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या बोला एक्स, इसका निकालना रहेगा कोऑर्डिनेट, तो क्या करेंगे एम एक्स और वाई का जब कोऑर्डिनेट रहेगा और जब बाहर विभाजित कर रहा है तो होगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, सिर्फ माइनस कर देना एम माइनस एन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन बटे एम माइनस एन। यानी आपको क्या अंतर नजर आ रहा है, जब आंतरिक विभाजन कर रहा था तब और बाह विभाजित कर रहा तब सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर माइनस देते रहे, बाकी जो फॉर्मूला है एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन एम माइनस एन एम वाई टू माइनस एन वाई वन बटे एम माइनस एन, बाकी सब चीज़ सेम रखना है, सिर्फ आपको जो साइन है प्लस के जगह पर क्या कर देना है माइनस कर देना है। एक चीज और इसमें बेसिक आता है, सम दूरस्थ करके आता है कि कोई पॉइंट जो है वो सम दूरस्थ पर है, कहां पर है सम दूरस्थ पर है। जैसे देखिए एक पी पॉइंट है यहां जिसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वन और वाई वन है, एक क्यू पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स टू और वाई टू है, एक यहां पर एक पॉइंट है जो ये दोनों बिंदुओं से कहां पर है सम दूरस्थ है, क्या है दोनों बिंदुओं से सम दूरस्थ है, सम दूरस्थ है और ये आपका आर है। अब बोलेगा कि इसका कोऑर्डिनेट निकालिए, तो क्या करेंगे अगर ये एक्स और वाई है तो हम इसमें क्या करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके यहां से हम निकाल लेंगे पी आर और यहां से निकाल लेंगे हम आर क्यू। अब बोल रहा है कि सम दूरस्थ है, सम दूरस्थ कहने का मतलब सेम इक्वल डिस्टेंस है, तो दोनों को जो दूरी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके वहां पर हम दोनों की दूरी को क्या कर देंगे आपस में बराबर कर देंगे, यानी कि पी आर निकाल दिए और क्या निकाल दिए यहां पर आर क्यू निकाल दिए, दोनों को बोथ साइड क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे और बराबर कर देंगे, यही सम दूरस्थ का केस रहेगा, तो इसी को यूज करके हम निकाल लेंगे। अब हमने क्या देखा, देखा डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने के लिए, जब वो दूरी निकाल लिए तो उस दूरी को बांटे, कैसा बांटे पहले बाह बांटे आंतरिक बांटे, आंतरिक में किस प्रकार से बांटे तो एक एम रेशियो एन में बांटे और क्या बांटे उसको तो मिड पॉइंट पर रहेगा तब बांटे, फिर क्या किए हम लोग बाह विभाजित किए, बाह विभाजित में भी एम रेशियो एन में बांटे हैं उसको, उसको देखें फिर समदूरस्थ वाला आप देखें। अब तीसरा पॉइंट हम लोग चलते हैं वो है आपका ट्रायंगल। चलिए हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल जो है वो तीन पॉइंट से मिलकर बना हुआ होता है और तीनों पॉइंट जो होते हैं कम से कम उसको दो प्लेन तो चाहिए ही चाहिए, एक प्लेन में कभी भी ट्रायंगल नहीं बन सकता, इसलिए कभी भी क्वेश्चन में लिखा रहे कि तीन बिंदु एक कोप्लैनर हैं यानी समतलीय हैं तो कभी भी वहां ट्रायंगल नहीं बनेगा यानी त्रिभुज नहीं बनेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब बनेगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा, आपको या तो कोप्लैनर रहेगा या तो आपको कोलिनियर रहेगा। कोलिनियर कहने का मतलब कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में, जब एक ही रेखा में होंगे बिंदु तो वहां पर भी ट्रायंगल नहीं बनेगा त्रिभुज नहीं बनेगा, तो वहां पर भी जो आपका क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, कोऑर्डिनेट में निकालते कैसे हैं। चलिए एक त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज यहां ए हो गया बी हो गया और सी, इसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स वन और वाई वन है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स टू और वाई टू है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स थ्री और, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर वन बाय टू, ऐसे बाहर कर लीजिए, जब आप एक्स वन को लेंगे बाहर, एक्स वन को बाहर ले लिए तो क्या बच गया, एक्स वन के कैटेगरी वाले को नहीं लेना है या वन लगा हुआ उसको नहीं लेना है, अब टू और थ्री में से लेना, टू और थ्री में से कैसे लेंगे याद करेंगे हम, तो हमको छोटा वाला में से बड़े वाला को घटाना है यानी कि वाई टू माइनस, फिर क्या चलेंगे हम x2 लेंगे, लेकिन देखो तीनों साइड में तीनों का जो प्रॉपर्टी होता है दो का फर्स्ट और लास्ट वाला का सेम होता है, लेकिन बीच वाला थोड़ा ही दोनों से हटके है, ये जो है छोटे वाले में से बड़े वाले को घटाते हैं लेकिन वो क्या करता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाता है, यानी जब x2 ले लिए तो अब x2 में से तो कोई जाति का नहीं रहेगा, अब रहेगा कौन, तो यहां पर होगा आपका वाई थ्री माइनस वाई वन। तीसरा चलते हैं, जब आप x3 को बाहर लेंगे
तब क्या होगा, यहां पर एक्स थ्री ले लिए तो यहां पर हो जाएगा आपको वाई वन माइनस वाई थ्री, वाई वन माइनस वाई थ्री हो जाएगा, यही हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब आपको बोलेगा कि त्रिभुज है तीन को जो बिंदु है, तीनों बिंदु ए बी सी वो संरेख है या बोलेगा कि समतलीय है, तो सीधा सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। अब एक चीज आगे हम लोग एक चीज और जानते हैं कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, जिस बिंदु पर कटती है त्रिभुज के अंदर, उस बिंदु को हम लोग केंद्रक केंद्रक बोलते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं कि सेंट्रोइड है। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रोइड। तो जो सेंट्रोइड होता है जिसको हम लोग जी से निरूपित करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई है। आपको बोलेगा कि तीन गो बिंदु है किसी त्रिभुज का ए बी सी, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसके सेंट्रोइड यानी केंद्रक का निर्देशांक निकालें। तब हम क्या करेंगे, तो केंद्रक का निर्देशांक बराबर होता है, कितने बिंदु है, एक दो तीन, एक्स और वाई है, तो एक्स वाले को एक साथ जोड़ दो और तीन से भाग दे देंगे, और वाई वाले को एक साथ जोड़ देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, तीन से भाग दे देंगे। इससे हम क्या निकाल लेंगे, तो केंद्र का निर्देशांक निकाल लेंगे। आपको ये जो क्वेश्चन है एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल है। अब आप पूछेंगे कि भैया परिकेंद्र या फिर उसका अंतः केंद्र का कैसे निकलेगा निर्देशांक, तो परिकेंद्र और अंतः केंद्र थोड़ा जटिल है, इसीलिए वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से वो सही नहीं है, उसको हम लोग नहीं जानेंगे। बस केंद्रक से पूछता है इसलिए केंद्रक बताना जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो कोऑर्डिनेट का जो बेसिक पोर्शन था जिसमें पॉइंट से रिलेटेड था वो चीज खत्म हो गया, अब समाप्त हो गया। अब हम स्ट्रेट लाइन पर चलते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन जो होता है, आपने जो डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज करके जो हम लोग डिस्टेंस निकाले हैं, तो डिस्टेंस क्या निकला था, एक लीनियर लाइन निकला था। उस लाइन जो निकला था उसी लाइन को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन निकालना है। उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जैसे एक लाइन बनाए, ये लाइन है, ये लाइन क्या है, एक दूरी है, दूरी किसका है, तो एक पी लिए थे जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और एक्स वन और वाई वन था, एक क्यू लिए थे जिसका कोऑर्डिनेट एक्स टू और वाई टू था, इन दोनों के बीच को दूरी लिए, एक स्ट्रेट लाइन में मिला दिए। अब इस लाइन का एक इक्वेशन भी हो सकता है, होता भी है। उस इक्वेशन को कैसे निकालेंगे, जब दो बिंदु दिया हुआ है तो इक्वेशन बराबर फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन का कि y माइनस वाई वन बटे एक्स माइनस एक्स वन बराबर होता है y टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। क्या होता है, y माइनस वाई वन बटे एक्स माइनस एक्स वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन होता है। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। हमने एक चीज आपको बताना भूल गया कि जब आपको जिस अक्ष का नाम लेगा ना और जिस अक्ष का नाम छोड़ दिया है, उस अक्ष का वैल्यू जीरो हो जाता है। यानी बोल सकते हैं कि वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, और एक सच पर वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। चलिए अब लोग यहां चलते हैं, तो यहां क्या किया, हम दो बिंदु दिया हुआ था पी और क्यू, इस पी और क्यू को यूज करके हम क्या निकाल लिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लिए। ये जो फॉर्मूला है ये मास्टर फॉर्मूला है, आप इसको बिल्कुल ही याद कर लें, क्योंकि और फॉर्मूला आपको स्ट्रेट लाइन का नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं बने। चलिए यहां पर देखिए, वाई माइनस वाई वन बट एक्स माइनस एक्स वन बराबर है वाई टू माइनस वाई वन बट एक्स टू माइनस एक्स वन। ये जो वाई टू माइनस वाई वन बट एक्स टू माइनस एक्स वन आया है, इसी का नाम है स्लोप। क्या नाम है? स्लोप। और स्लोप को हम हिंदी में ढलान बोलते हैं। ढलान को निरूपित किया जाता है एम से, और एम जो होता है वो हाइट और बेस के रेशियो के बराबर होता है। यानी अगर हम ट्रिगोमेट्री के फंक्शन में उसको बोले तो हम बोल सकते हैं कि वो टैन थीटा के बराबर होता है। अरे सुन में, चलिए अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। चलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन लिखते हैं जो क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। जो एम है ना, ये आपका स्लोप है। क्या है? एम स्लोप है। ये जो स्लोप होता है
वो हाइट और बेस के रेशियो के बराबर होता है, यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में बोले तो टैन थीटा के बराबर होता है। यदि आपको एंगल दिया हुआ है तो आप वहां से स्लोप निकाल लेंगे और स्लोप के माध्यम से आप इक्वेशन निकाल लेंगे। अब देख रहे हैं कि एक और आपको अनोन चीज दिया हुआ है, सी, जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है। सी होता क्या एक्चुअल में, हम लोग एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक लाइन खींच दिया, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है ये वाई एक्सिस को जिस बिंदु पर कट करता है यहाँ का जो आपका कोऑर्डिनेट होता है यही होता है सी। क्या होता है? सी होता है। और एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा वो होता है थीटा। अगर आपका एंगल जो है वो वाई एक्स पर दिया हुआ है तो आपको निकालना पड़ेगा एक्स अक्ष का एंगल, क्योंकि आपका जो स्लोप होता है, जो एम होता है, उसका जो रेशियो होता है वो हाइट अपॉन बेस होता है। इसलिए आपको कहाँ का एंगल चाहिए, तो बेस और कर्ण के साथ, यानी कि स्ट्रेट लाइन का लाइन के साथ एंगल चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे इस टाइप का है, यहां पर काटा उसको सी बोले, हम सी नहीं बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं कि ए है। आपको एंगल का जानकारी नहीं है, यहां लो क्या बोलते हैं, इसको बी बोल दो, यहां लो क्या बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे। जब ये दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा है वो और वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा है वो, दोनों दिया हुआ है, तो उससे जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बटे बी बराबर वन। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब बोलेंगे कि ये सब फॉर्मूला हम याद करेंगे, तो आपको एक ही फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, जो बेसिक फॉर्मूला आपको जो दो बिंदुओं के बीच का इक्वेशन निकालने वाला बताए। देखिए यहाँ पर क्या हम बोले, जब x अक्ष का नाम लिया हो तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो, यानी यहाँ का जो बिंदु वाला कोऑर्डिनेट होगा a और जीरो हो जाएगा। यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जीरो और b हो जाएगा। अब देखिए दो बिंदु मिल गया, दो बिंदु मिल जाते हैं तो इनके माध्यम से भी इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से, जो आपका फॉर्मूला है वाई माइनस वाई वन बटे एक्स माइनस एक्स वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। और जो ये आपका आया है क्या रहता है, स्लोप रहता है। इसी प्रकार हम y बराबर एम एक्स प्लस सी वाला को भी इसी फॉर्मूला से बना सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए ये क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है यानी स्लोप है, यहां का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहां का थीटा दिया हुआ है, इससे हम m निकाल लेंगे। यहां c दिया हुआ है कि c बिंदु पर क्या करता है, कट करता है, उसी को c बोल रहे हैं, तो इस c को क्या लिख सकते हैं, जीरो और सी, यानी एक वो पॉइंट मिल गया हमको, स्लोप पता ही है, तो यहां से भी इक्वेशन निकलेगा। कैसे, जब आपको स्लोप दिया हुआ हो और एक बिंदु दिया हुआ हो तब इक्वेशन क्या होता है, वाई माइनस वाई वन बट एक्स माइनस एक्स वन बराबर एम होगा। और एम कहां से निकालेंगे, तो इस एंगल के माध्यम से हम क्या निकाल लेंगे, तो एम निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। अब हम कुछ स्लोप का प्रॉपर्टीज बता देते हैं कि स्लोप में क्या रिलेशन होता है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन ये दिया हुआ है, इसका स्लोप है क्या, एम है। अगर इसी लाइन के एक पैरेलल खींच दीजिए इसी प्रकार का, इसका स्लोप है, इसका एम1 हो गया, इसका एम2। अब बोलेगा ये दोनों के बीच रिलेशन क्या है, हम देख रहे हैं कि दोनों का जब पैरेलल है तो जाहिर सी बात है दोनों का ढलान भी सेम होगा। जब ढलान सेम है इसका मतलब कि जो एम1 और एम2 का जो वैल्यू है वो भी क्या है, सेम है। यानी कि दो लाइन जब आपका पैरेलल रहेगा तो हमेशा m1 बराबर m2 हो जाता है। चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं कि पैरेलल ना हो के क्या है, जो m1 है उसके परपेंडिकुलर है। चलिए जैसे ऐसे है, यहां पर 90 का कोण बन रहा है, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच रिलेशन है कि m1 इंटू m2 बराबर हमेशा माइनस वन होता है, या बोल सकते हैं कि m1 बराबर माइनस वन बटे m2। तो आपको इस बेस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट में पूछते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको इक्वेशन निकालने के लिए रहेगा, कभी कभी इसका स्लोप दिया हुआ है इसका निकालना रहेगा, इसका स्लोप दिया हुआ है इसका मांगेगा। तो इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट के जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर लें। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।